अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम तुम टीवी फॉर यू पर आपको खुश आमदेद। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको सैर कराएंगे सेंट्रल मार्केट कुआलालंपुर की। ये हम इस वक्त इस मैदान में हैं, ये सामने सेंट्रल मार्केट आप देख रहे हैं। ये मार्केट का बाहर से नज़ारा आप कर रहे हैं, नहायत ही ख़ूबसूरत जगह, ये राहदारी और ये सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये पोस्ट लाजू की बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है ये वाली। ये गैर मुल्की सयाह ये इस मार्केट का विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए सामने सेंट्रल मार्केट लिखा हुआ है और ये सन 1888 में तामीर की गई थी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है और पासर लिखा हुआ है। ये लोग एंटर हो रहे हैं और आउट हो रहे हैं। यहाँ पर गैर मुल्की सयाह कसरत से आते हैं। यहाँ दस्तकारी का सामान भी काफ़ी मकदार में है, बेशुमार दुकानें हैं दस्तकारी की। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की दुकान है। यहाँ नहायत यूनिक सामान भी आपको मिलेगा। ये यहाँ के कल्चर के हिसाब से जो रवायती कल्चर है उसी अशिया दस्तियाब हैं। ये मुख्तलिफ शॉप्स हैं यहाँ पर और लोग अपनी पसंद की चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पर मलबूसात के अलावा आपको ज्वेलरी भी मिलेगी, नहायत ख़ूबसूरत मलबूसात हैं और ज्वेलरी हैं। ये यहाँ के कल्चर के हवाले से बहुत सी नादर अशिया हैं यहाँ पर। इसी तरह ये हिंदू मज़हब के हवाले से यहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह सजाई गई हैं। यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर भी आप ख़रीदारी कर सकते हैं। ये मज़ीद ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर होटल वगैरह हैं। ये हम भी अब ऊपर वाले मंजिल यानी फ़र्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ भी बेशुमार दुकानें हैं, ये नीचे से लोग अंदर आ रहे थे।
ये मलबूसात की दुकान आप देख रहे हैं, नहायत ही खूबसूरत। इसी तरह ये भी आप देख रहे हैं, कीमतें भी नहायत मुनासिब हैं और सामान भी बहुत ही आला क्वालिटी का है। दुकानें सामान से खचाखच भरी हुई हैं। ये नहायत खूबसूरत काइट्स पतंगे आप देख रहे हैं। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत मार्केट है और देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये अब बाहर जाने के लिए हम वापस आ गए हैं और ये इसका एग्ज़िट पॉइंट है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपसे अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।